बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कटंगी एवं बहुसंख्यक समाज के विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। 9 अगस्त इंडिजिनियस पीपल डे पर आयोजित कार्यक्रम कटंगी में सर्वप्रथम श्रीमान मधुवंत राव धुर्वे अनुभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार के नाम जन समुदाय ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बहुसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचार हमले सहित भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान से छेड़छाड़, धरती आबा जननायक बिरसा मुंडा प्रतिमा अनावरण सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तत्पश्चात रैली कटंगी के प्रमुख मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी प्रांगण में पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत में बहुजन समाज में जन्मे महामानव महानायक महानायिकाओं के छायाचित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष फूल सिंह परते समस्त समाजजन एवं बहुसंख्यक समाज संगठनों के प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ समाजसेवी समाज चिंतक इंजीनियर प्रशांत भाऊ, न्यायविद नितिन कुमरे, संपादक सुरेंद्र गजवीय, अधिवक्ता संजय खोबरागड़े, पार्षद कपिल मिश्राम, पूर्व पार्षद प्रशांत हुमनेकर, समता सैनिक दल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र डोंगरे, इंजीनियर भीम प्रकाश मिश्राम, गुवारी समाज के संगठन के प्रमुख अशोक कारसरपे, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के समाज के संगठन प्रमुख प्रफुल्ल कुमार छित्रियु, गोंडवाना युवा संगठन रामकृष्ण परते, यशवंत टेकाम, ब्रजेश आतराम, हमीलाल भलावी, लक्ष्मण भलावी, जेएसयू प्रमुख नवनीत उइकलाल, वरिष्ठ आदिवासी नेत्री तुलसी उइके सहित गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्वान अतिथियों द्वारा 9 अगस्त इंडिजिनियस पीपल डे पर सारगर्भित उद्बोधन में कहा गया कि संगठन ही समाज और देश की शक्ति है, अच्छा व्यवहार हमारे देश का मंगल है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का मेल मिलाप देश की तिजोरी है, देश का वर्तमान भयानक और खतरनाक हालातों पर चिंता व्यक्त की है, देश के संविधान पर लोकतात्मक एवं बहुसंख्यक समाज पर हो रहे जुल्म शोषण अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको बचाने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में गुटों गुटों में विभाजित सगाजन और समाज के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने की अपील की गई।